आप चार के परिवार के लिए सिर्फ 270 पाउंड रात के लिए ब्रिटेन के सबसे बड़े ट्राउज में रात बिता सकते हैं। दो मंजिलाओं में फैले ट्रीटॉप्स छुपाए एक देश के होटल के मैदान में 250 वर्षीय ओक में घिरा हुआ है। यह आश्चर्यजनक वृक्षारोपण ब्रिटेन का सबसे बड़ा है। चार परिवारों को सोने के लिए पर्याप्त जगह है। दो मंजिलाओं में फैला हुआ है यह एक देश के होटल के मैदान में 250 वर्षीय ओक में घिरा हुआ है। इसमें लॉग जलती आग के साथ एक आरामदायक और विशाल रहने का क्षेत्र है। नीचे के मछली पकड़ने की झील और एक जंगल से परे निर्बाध दृश्य प्रदान करने के लिए फ्रांसीसी दरवाजे खुल सकते हैं। एक पूरी तरह से सुसज्जित रसोई घर और डाइनिंग क्षेत्र भी है, जबकि गहरी बाथ बाथरूम के केंद्र का निर्माण करता है। मास्टर बेडरूम दो मेहमानों को आराम से आराम करने की अनुमति देता है। बंक बेड शेष आवास प्रदान करते हैं। ट्रीटॉप ट्री हाउस छुपाएं जो आपको रात में 270 पाउंड वापस सेट करेगी। एग्सफोर्ड डेवन में फॉक्स एंड हाउंड्स कंट्री होटल के मैदानों में स्थित है। मालिक तारा कलवा हाउस ने कहा, वृक्षारोपण अब 4 साल का है। यह वास्तव में अद्वितीय है और ब्रिटेन में अपनी तरह का सबसे बड़ा और किसी के लिए उपयुक्त है। यह वास्तव में एक पेड़ के ताज में बनाया गया है ताकि शाखाएं इसके डिजाइन का हिस्सा हों। यह ब्रिटेन के पहले वृक्षारोपणों में से एक था और अभी भी एकमात्र सच्चे वृक्षारोपण है जो चार परिवारों को आराम से फिट कर सकता है। लाउंज क्षेत्र में सोफा सीट वास्तव में एक पेड़ से एक आटा छुपाती है कि संरक्षण आदेश किसी भी छंटनी से रोका गया है। ट्री हाउस ब्राउन ट्राउट सामन और समुद्री ट्राउट के लिए मछली के लिए केवल 100 मीटर की दूरी पर जाने से पहले फ्लाई मछली पकड़ने का अभ्यास करने के लिए एक मछली पकड़ने की झील के बगल में बैठता है। तरकार ट्रेल पैदल नेटवर्क बहुत करीब है और हम 50 मीटर ऊंचे से अधिक शानदार डगलस फिर पेड़ों के साथ जंगल से घिरे हुए हैं। ऐसा इसलिए आता है क्योंकि फ्लाइंग सॉक में छुट्टियों के निर्माताओं को इस दुनिया के ग्लैम्पिंग अनुभव की पेशकश की जा रही है। रैडबर्थ पेम्ब्रो के शिर में अद्वितीय पेड चमकती एलईडी रोशनी और धुआं और धुंध मशीन के साथ आता है। मालिक टोबी राइस जोन्स ने कहा कि यूएफओ बोल्ट होल ने निर्माण के लिए 3 साल और 100,000 पाउंड लिया, लेकिन अब अपने स्वयं के विदेशी साहस के इच्छुक विज्ञान फाय प्रेमी मेहमानों के लिए तैयार है।